नमस्कार, खबरों की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के इस्तीफे के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, ऐसे में इन तीनों पार्टियों ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का खाका भी लगभग तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में तो कुछ नहीं बताया है, लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि मंत्री पदों के बंटवारे पर तीनों पार्टियों में सहमति बन गई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत शिवसेना को 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना पहले ही तय हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना को सीएम का पद देने के एवज में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गृह विभाग मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को राजस्व विभाग देने पर सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी को डिप्टी सीएम पद भी मिलेंगे। जी हां, एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक डिप्टी सीएम पर कोई फैसला नहीं लिया है। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच मंत्रालय का बंटवारा अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शिवसेना के 8 और कांग्रेस एनसीपी के 9 नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। जी हां, शिवसेना की तरफ से मंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, अब्दुल सत्ता, रामदास कदम, तनाजी सावंत, दीपक केसरकर, गुलाब राव पाटिल के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट, विजय वडेदिदवार, केसी पाडवी, विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकुर, सतेज बंटी पाटिल, सुनील केदार मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एनसीपी से धनंजय मुंडे, जितेंद्र आवहाड, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, अनिल देशमुख, दिलीप पाटिल, मकरंद पाटिल और राजेश टोपी को भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर कालिदास कालंबकर ने बुधवार सुबह 8 बजे विधायकों को शपथ दिलवाना शुरू किया। समारोह शुरू होने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस, अशोक चौहान और अजीत पवार ने विधायक पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही अन्य विधायकों ने भी शपथ ली। वहीं उद्धव ठाकरे गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।